एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट करके। और अभी टाइम हो रहा है, आवाज़ लगा रहे थे हस्बैंड लावण्या को, अभी टाइम हो रहा है 5:30 का और आज है 8 जून, मंडे है। तो मैं जा रही हूँ अभी मार्केट। तो मुझे बहुत बार आप लोग बोलते हैं कि मास्क नहीं लगाते। पता क्या होता है, जब मैं गाड़ी में बैठती हूँ ना, मैं जेब में डाल देती हूँ, क्योंकि घुटन सी होती है इससे। पर अब बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, क्योंकि जब से यहाँ पर भी केस आए हैं तब से डर लग रहा है, तो मैं ये लगा रही हूँ। और यहीं जा रहे हैं, सब्जी वगैरह देखते हैं। कुछ हस्बैंड आए थे चाय पी, अभी अभी कप रखे हैं अंदर चाय पी कर, वो निकल गए बाहर, तो उन्हीं के साथ मैं जा रही हूँ। उनको मैं बोल रही थी कि तुम ले आना, वो बोलते क्या लाऊँ कुछ समझ ही नहीं आता, क्योंकि आधी सब्जियाँ तो ये लोग खाते ही नहीं हैं। तो फिर कहते खुद ही देख ले चल के। तो बस मैं जाऊँगी और आऊँगी। लावण्या बाहर खेल रही है और फ़ैन ऑन हो गए हैं। गर्मी भयंकर वाली, मतलब भयंकर वाली नहीं, पर गर्मी हो गई है हम लोगों को लग रही है। तो चलिए पहले मैं सब्जी लेकर आती हूँ। तो बस मैं चल रही थी, तो देखिए मेरी नज़र रास्ते पर पड़ी, तो बीच रास्ते में ना ये छोटी सी चिड़िया मरी हुई पड़ी थी, तो मैंने इसे साइड में कर दिया और बहुत दुख सा हुआ देखकर। और ये देखिए, ये है रेशम फार्म, ये जो ग्रीन कलर की आपको दिख रही है, और आगे जाकर बच्चे खेल रहे हैं ना बहुत सारे, ये नीली छत वाले घर के पास, तो यहीं पर सूजल खेलने आता है। और ये रेशम फार्म है और ये देखिए हस्बैंड जा रहे हैं। तो बस गाड़ियाँ देखिए आप, गाड़ियाँ बहुत चलती है, बसेस वगैरह बहुत कम चल रही है, पर छोटी गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा चल रही है। कुछ टाइम पहले तक सुनसान हो गया था ना रास्ता, पर अब ऐसा नहीं लगता। तो बस यहाँ मैं आ गई हूँ सब्जी लेकर, कुछ खास नहीं मिला, तो जो मिला मैं ले आई। तो मैं ना ये लेकर आई मशरूम, और ये मैंने धो दिए हैं लाते ही, और कुछ था तो सब कुछ, पर वही ना, मतलब फ्रेश सब्जी नहीं मिलती है यहाँ पर, दिक्कत हो जाती है। जब फ्रेश आई हो तभी ले लो तो फ़ायदा है, हर सब्ज़ी फ्रेश नहीं होती। तो और आज हरा धनिया भी मिल गया, तो मैं ढेर सारा ले आई। मैंने कहा चलिए इसको ले आती हूँ, फिर स्टोर कर दूँगी इसको, क्योंकि बहुत दिनों से मिल ही नहीं रहा था। और एक ही भैया रखते हैं सारी सब्जियाँ, बाकी बहुत कम मिलती है। और यहाँ से आगे ना भद्राच में सुना है मैंने, 2 किलोमीटर आगे जाकर, कि वहाँ भी सब्ज़ियाँ मिलती हैं, पर हम लोग यहीं ले लेते हैं। और हस्बैंड चले गए खेलने, शॉप अब बंद करेंगे, अभी तो शॉप गए हैं, शॉप बंद करके जाएंगे खेलने। और लावण्या आ गई है, तो मैं अभी ये तैयारी कर लेती हूँ और उसके बाद देखती हूँ, अगर मुझे टाइम लगा तो मैं साड़ी पहनूँगी, नहीं लगा तो कुछ नहीं कर सकते, कोशिश करूँगी आज पहनने की। तो चलिए पहले मैं किचन से फ्री हो जाती हूँ, क्योंकि यहाँ बर्तन भी रखे हैं थोड़े बहुत दोपहर के। एक मेरी थाली, प्रेशर कुकर वगैरह है, और यहाँ पर हो गया देखिए चाय के हो गए, बर्तन होते रहते हैं। तो फटाफट ये करती हूँ, तैयारी करती हूँ, उसके बाद पहले ये सब्जी बना लेती हूँ फटाफट से। देखती हूँ मशरूम दो प्याज़ा बनाऊँ या सिंपल मशरूम बनाऊँ, देखती हूँ। तो देखिए सारी तैयारी मैंने कर दी है। सबसे पहले तो मैंने मशरूम को काट दिया है, और मैंने मशरूम को ना ऐसे ही काटा है, क्योंकि ये बड़े बड़े पीस के थे ना, छोटे हो तो आप पूरा का पूरा काट सकते हैं। और यहाँ पर प्याज मैंने काटी है, देखिए एक मैंने इस तरीके से निकाल लिए हैं स्लाइस, और एक प्याज ये है, एक प्याज ये है, और ये हरी मिर्चें मैंने ऐसे कर दी है। और यहाँ पर जो है अदरक लहसुन और टमाटर, दो छोटे छोटे से टमाटर है, मीडियम साइज़ से भी छोटे हैं, दो टमाटर मैंने डाल दिए हैं। और यहाँ कढ़ाई ले ली है, उधर मैंने हरा धनिया जो है वो भी साफ़ करके साथ के साथ धोकर रख दिया है। तो मशरूम दो प्याज़ा बनाएंगे, पर मशरूम को तलूंगी नहीं, सिंपल तरीके से जो कि झटपट बन जाए, तो फटाफट से। और आज ना हरी मिर्चें मैं इसमें ग्राइंड नहीं करूँगी, वैसे ही डाल देंगे, देखने में अच्छी लगती हैं। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पर कढ़ाई चढ़ा दी है और उसमें तेल डाला है, तो देखिए तेल पहले कम डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं डाला है, क्योंकि पहले मैं करूँगी प्याज को फ्राई। जो मैंने प्याज ये स्लाइस में काट कर रखा है ना, ये वाले प्याज को मैं फ्राई करूँगी, तो बहुत ज़्यादा फ्राई इसे नहीं करना है। वैसे आप ना भी करें तो भी चलेगा, पर अगर करेंगे ना फ्राई तो बहुत अच्छा क्रंच सा आ जाता है इसमें, एकदम से ये गलती नहीं है। तो बस ज़्यादा नहीं करेंगे, हल्का सा इसे तेल में थोड़ा सा भून लेंगे, थोड़ा सा इसका, बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं करेंगे, नहीं तो फिर ये बिल्कुल सिमट
जाएगी। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, मतलब 1 मिनट के करीब मैंने इसको भूना है तेल में, तो फ्लेम जो है वो हाई है। तो बस अब मैं इसे निकालूंगी, इसी थाली में साइड में निकालूंगी। तो ये देखिए मैंने निकाल लिया है, और इसमें मैंने थोड़ा सा तेल और ऐड किया, और उसके बाद इसमें डाला जीरा और तेजपत्ता। आप चाहे तो यहाँ पर और खड़े मसाले भी ले सकते हैं, पर मैंने तेजपत्ता ऐड किया है, दालचीनी भी आप ले सकते हैं। उसके बाद ये देखिए बारीक कटी हुई प्याज हम डाल देंगे, और इसे अच्छे से मिलाएंगे और भून लेंगे इसे काफ़ी देर तक, जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन अच्छा सा इसमें कलर ना आ जाए। आप चाहे तो प्याज यहाँ पर ग्रेवी करके भी डाल सकते हैं, पर इस तरीके से ज़्यादा ठीक रहता है, ईजी होता है और अच्छा भी बनता है। तो ये देखिए प्याज हमारी इस स्टेज तक भुने की गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है, और अभी हम यहाँ पर ऐड करेंगे अपने ड्राई स्पाइसेस। तो ये देखिए सबसे पहले डालेंगे हल्दी, और उसके बाद देगी मिर्च, और उसके बाद धनिया पाउडर और जीरा पाउडर। और अगर आप लोग मसाला खाते हो ना, गरम मसाला, तो अभी भी, अभी तो नहीं ऐड करना, पर बाद में ऐड कर देना टमाटर डालने के बाद, क्योंकि मैं आजकल मैं नहीं डाल रही हूँ, तो इस वजह से मैं नहीं बताया है आपको यहाँ पर। तो ये देखिए अच्छे से स्पाइस को भून लेंगे, स्पाइसिस को भून लेंगे, और गैस की फ्लेम जो है वो बिल्कुल कम मैंने रखी है। तो ये देखिए काफ़ी देर भूना, और उसके बाद कुछ सेकेंड्स के लिए भुना था। उसके बाद ये डाल दिया है मैंने टमाटर, अदरक और लहसुन का पेस्ट। बस इसे भी अच्छे से मिलाएंगे और नमक ऐड करेंगे यहाँ पर, बाकी स्पाइसेस हमने डाल दिए हैं। तो इस टाइम पर आप गरम मसाला ऐड कर सकते हैं नमक के साथ। तो बस नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंगली, और अच्छे से मिला लेंगे इसको। और ये देखिए अच्छे से मिलाने के बाद हम इसे ढककर पका लेंगे, ताकि हमारी ग्रेवी जो है वो टाइल्स वगैरह में आ जाती है ना उछल के। तो ये देखिए ढक्कन लगा दिया है, और ये देखिए 1 से 1.5 मिनट बाद आप देखेंगे तेल हमारा बिल्कुल ऊपर आ गया है, सरफेस पर आ गया है। इट मीन्स हमारी ग्रेवी जो है वो तैयार है। तो अभी हम इसमें ऐड करेंगे मशरूम, और मशरूम को सारे डाल देंगे। आप चाहे तो जैसे प्याज को पहले भूना था ना, उसमें मशरूम को भी भून सकते हैं, पर उस तरीके से थोड़ा ऑयली ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि मैंने वैसे भी ट्राई किया था एक बार, ऑयल ऑयल सा ज़्यादा हो जाता है, तो इस तरीके से ठीक रहता है। तो ये देखिए अच्छे से मिला लिया है, और ढक्कन लगा लेंगे। और अभी देखिए आप पानी वगैरह कुछ नहीं ऐड किया है, ये देखिए 3 मिनट बाद मैं खोल रही हूँ, 2.5 से 3 मिनट बाद मशरूम जो है वो पानी छोड़ता है। तो ये देखिए इसने पानी छोड़ दिया है, तो इसीलिए पहले पानी ऐड नहीं करेंगे, अभी हम पानी को ऐड करेंगे। और ये देखिए जितना, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, इतना कि मशरूम को पकाना है हमें अभी। तो ये देखिए इतना पानी ऐड कर दिया है, तो बस इसे अच्छे से मिला लेंगे। और यहाँ पर ऐड करेंगे हम इसमें एक और चीज़, तो ये है कसूरी मेथी। तो बस दोनों हाथ से क्रश करके इसे डाल लेंगे, तो बहुत अच्छा टेस्ट फ्लेवर इससे आता है। तो बस अच्छे से मिला लेंगे, और ये प्याज जो है ये अभी हम ऐड नहीं करेंगे, जो प्याज भून कर रखी है। हरी मिर्चें हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, हरा धनिया भी देखिए मैंने काट लिया है। तो बस हरी मिर्चें डालेंगे और इसे हम पका लेंगे थोड़ी देर, उसके बाद इसमें हम प्याज डालेंगे। देखिए मेरी सब्जी जो है वो तैयार हो गई है। तो ये देखिए तो 8:30 का टाइम हो गया, और साड़ी पहनने के चक्कर में ना आज मैंने चपातियाँ जल्दी बना दी, मतलब सूजन लावण्या को तो मैंने खाना दे दिया है। अब मैं और पतिदेव रह गए, पसीना पसीना होगी। तो चलिए पहले मैं मुंह धोती हूँ, फिर मैं साड़ी पहनती हूँ। तो साड़ी मैंने पहन ली, और पता क्या है, पिन ढूंढ ढूंढ के नहीं मिल रही है। तो चलिए मैं आपको पूरा दिखाती हूँ। और ये किसी ने कहा था, पुष्पा चौधरी जी ने, और एक और था कि आप पूरा ब्राइडल वो देना। तो देखिए ब्राइडल मेरे पास मतलब नहीं है ब्राइडल कुछ ऐसा, हमारे यहाँ ऐसे ही सिंपल ब्राइड होती है। तो ये लावण्या का मैंने पहन लिया, और ये लावण्या के पहन लिए, और मेरे मुझे ना मिल नहीं रहा है, नहीं तो मैं मांग टीका सेट कर लेती। कहाँ गया?
तो ये देखिए मैंने साड़ी पहन ली है और पूरा लुक मैं आपको दिखा रही हूँ। तो मुझे पिन नहीं मिली एक्चुअली, ना मुझे हेयर पिन मिली, ना मुझे सेफ्टी पिन मिली, कोई भी पिन। और साड़ी वाली जो पिन्स होती है ना, वो मेरे पास एक भी नहीं है, वो मैंने कभी ली ही नहीं। तो सेफ्टी पिन्स मैं रखती थी, पर लावण्या अब नहीं छोड़ती है ये सब चीज़ें, गुम कर देती है। तो हेयर पिन भी नहीं मिली और सेफ्टी पिन भी नहीं मिली। जैसे तैसे जुगाड़ करके मैंने क्लचर फंसा के जूड़ा बना दिया, और साड़ी जो है वो बिना पिन की मैंने आपके पास, जो आपको दिख रही है, बिना पिन की ये मैंने टाई की है। ना इसमें फॉल में पिन लगी है, ना ही इसमें शोल्डर पे पिन लगी है। तो कोशिश कर रही थी, बार बार सरक रही थी ये। तो ये देखिए बस जैसे तैसे मैंने पहन ली। मुझे लगा अब आप लोगों को बोल दिया है, वीडियो में मैंने कह दिया है कि मैं पहन रही हूँ, तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो ये देखिए इस तरीके की ये साड़ी है, और बहुत सारे लोगों की ये साड़ी फेवरेट थी, सबने कहा था कि ये अच्छी लग रही है। और यकीन ये मेरी भी फेवरेट है, मतलब सभी मेरी पसंद की है, पर ये वाली मुझे बहुत अच्छी लगती है, कैरी करने के लिए भी, बाय लुक भी, और कलर कंट्रास्ट इसका बहुत अच्छा है। तो हस्बैंड यहाँ बने हैं आज वीडियोग्राफर, हस्बैंड को मैंने काम दे दिया है, क्योंकि ट्राईपॉड पर रखे रखे ये काम नहीं होता। तो उन्होंने हर एंगल से कोशिश की है दिखाने की। तो मुझे ज़रूर बताइएगा मैंने कैसी बांधी थी, और आप लोगों को कैसी लगी, मैं इस साड़ी में आप लोगों को कैसी लग रही हूँ, तो ज़रूर बताना कमेंट करके। तो ये था मेरा लुक, और बहुत सारी ना बहुत सारे कमेंट्स थे, मतलब जिन्होंने ये वाली साड़ी पसंद की थी। वैसे तो मैंने यही सोचा था कि जो ज़्यादा कमेंट होंगे मैं वही वाली साड़ी पहनूंगी। इस पे भी थे, और एक ये जो सीग्रीन है ना लुधियाना वाली, इस पे भी बहुत सारे कमेंट थे। फिर मुझे अभी ऐसा लगा, मैंने कहा चलिए साड़ी मैं आपको पहन कर दिखा देती हूँ, वीडियो बना लेती हूँ, पर इससे आधा जो है वो मैं दूसरे चैनल पर शेयर कर दूँगी, जब मेरे पास दूसरा चैनल है, क्योंकि किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए। अब जब तैयार हो ही गए हैं तो मुझे लगा चलिए मैं वो भी पहन के दिखा देती हूँ। तो थोड़ा मतलब यहाँ इस साड़ी का यहीं डालूंगी, बाकी जो पहनूंगी वो दूसरे चैनल पर डाल दूंगी। तो इधर ना सब्जी भी ठंडी हो गई, इसको करूँगी गरम, फिर खाना खाऊंगी। और हाँ, 9 जून को है दो बर्थडे, किसके हैं, एक तो है ऋषभ चोपड़ा कि चौधरी, ऋषभ का बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे ऋषभ, वो 25 साल के हो जाएंगे। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। और दूसरा किसी स्पेशल का है, किसका है, तो आज है मेरी सिस्टर का, मतलब जब ये वीडियो आपके पास पहुंचेगा 9 जून को है मेरी सिस्टर का बर्थडे। तो हैप्पी बर्थडे दाई मतलब हमारी भाषा में ना सिस्टर को दाई बोलते हैं, वैसे बड़ी बहन को दाई बोलते हैं, पर वो भी मुझे दाई बोलती है, मैं भी उसको दाई बोल देती हूँ। तो हैप्पी बर्थडे सोनू, दीपा नाम है मेरी सिस्टर का। आप लोग भी ज़रूर विश करिएगा कमेंट सेक्शन में, वो ज़रूर आपके रिप्लाई करेगी, वो सारे कमेंट्स मेरे पढ़ती है, सारी वीडियोस मेरी देखती है। तो वंस अगेन हैप्पी बर्थडे बोथ ऑफ यू, और सोनू पार्टी तैयार रखना, मैं ज़रूर आऊँगी पार्टी लेने के लिए। तो चलिए पहले मैं खाना गर्म करती हूँ, खाना खा लेती हूँ, और बर्तनों का ढेर देखिए, वैसे छोटे छोटे तो धो दिए थे, थोड़े मैंने, थोड़े हस्बैंड ने, अब ये रह गए हैं। तो बस खाना खाती हूँ उसके बाद। तो हैप्पी बर्थडे वंस अगेन बोथ ऑफ यू। तो मैं लेकर आ गई हूँ अपने लिए खाना, क्योंकि बहुत लेट हो गया है, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, 10 से ऊपर का टाइम हो गया है। सब लोगों को तो दे दिया था, जब मैं साड़ी पहन रही थी तब हस्बैंड ने भी खा लिया था, मैंने कहा मैं बाद में खा लूँगी। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अभी मुझे पूरा मूड होना है, ये देखिए आप आईलाइनर लगाया है ना, और काजल तो वैसे ही दोपहर का लगाया था, वही लगाया, और जाता नहीं है एकदम से, ये वाला ब्लू हेवन वाला। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, अब आप को तसल्ली हो गई होगी। वैसे तो ब्राइडल कहा था पूरा, पर इतना ही था, ठीक था, मतलब काफ़ी है, हम लोग इतना ही करते हैं। तो ज़रूर बताना मुझे कमेंट करके, और इससे जो आगे वाला वीडियो है ना, वो मैंने आपको बताया, वो मैं दूसरी उसमें डाल दूँगी, मतलब बहुत लंबा वीडियो हो गया, सारी साड़ियाँ पहन कर देखी है, वो दूसरा वाला दूसरी उसमें डाल दूँगी, दूसरे चैनल में डाल दूँगी। तो चलिए फिर इस वीडियो का करते हैं अब यहीं पर एंड, क्योंकि बच्चों को सुलाना है, मैं खाना खाती हूँ, बर्तन वगैरह करती हूँ, उसके बाद फिर सुबह भी उठना होता है, देर हो जाती है, वैसे कल क्लासेस तो है नहीं, फिर भी शायद कल मार्केट जाने का है मुझे मम्मी के साथ, मम्मी का फ़ोन आया था, अगर वो सुबह फ़ोन करेंगे तो उनके साथ जाना पड़ेगा। तो ये देखिए यहाँ अभी ये सारी रखी है, ये भी मुझे समेटनी है, और ये बहुत बड़ा काम होता है 6 मीटर को लपेट के अच्छे से तय करके रखना। तो चलिए फिर इस वीडियो का एंड करते हैं यहीं पर, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।